आप सभी दोस्तों का मैं मनीषा स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ फर्स्ट शो में। ऑफिस में अपना 100% देना है और साथ ही साथ घर परिवार की इससे जुड़ी जिम्मेदारियों से भी हमें पीछे नहीं हटना है। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की भागम भाग, बच्चों की देखभाल और परिवार की खुशियों के बीच वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाती है और यही छोटी छोटी अनदेखी बातें जन्म देती हैं बीमारियों को। लेकिन अब से आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ फर्स्ट शो। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीजों की संख्या में आज तेजी से इजाफा हो रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजनी कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अगर आप भी माइग्रेन से पीड़ित हैं या आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो देर किस बात की, डायल कीजिए हमारा नंबर या फिर कीजिए हमें मेल। दोस्तों, डॉक्टर साहब से बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल गए थे और वहाँ जानने की हमने कोशिश की कि क्या वाकई में ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर आप रोज ऑफिस या घर में सिर पकड़कर बैठ जाते हैं या फिर सिर के एक तरफ उठने वाले तेज दर्द से बेहाल हो जाते हैं, तो सावधान हो जाइए। अपने सिर के इस दर्द को हल्के में कतई न लें, क्योंकि सिर में उठने वाला यह दर्द माइग्रेन भी हो सकता है। सभी जानते हैं कि माइग्रेन में होने वाला सिर दर्द कितना तकलीफदायक होता है। ये दर्द अचानक ही शुरू होता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है। माइग्रेन कितना बढ़ चुका है, क्या हालात है, जानने के लिए हम हॉस्पिटल पहुंचे। वहां न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर लगी ये भीड़ ये बता रही थी कि दिमाग की ये बीमारी अर्थात माइग्रेन किस तरह हावी होती जा रही है। सिर में दर्द का नाम कितने टाइम से आपको सिर में दर्द बढ़ा देना तो 2 साल हो जाएंगे। और किस तरह का इलाज अभी आपका चल रहा है, इससे पहले भी आपने दिखाया है? सिर का पहले से दिखाया है। कैसा रहा आपका इलाज? ठीक नहीं है। बच्चे के सिर में दर्द होता है, थोड़ा सा नस तनाव सब। किस डॉक्टर को दिखाना है आप? अंजनी कुमार। क्या समस्या है आपको? सिर में दर्द रहता है। कितने टाइम से? 2-3 महीने से होता है। डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन टेबल पर रखी दवाइयां बता रही है कि अब हमें माइग्रेन को सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो जल्द ही ये बीमारी बड़ा रूप ले लेगी। डॉक्टर साहब, अभी अभी हमने जैसे वीडियो में देखा कि जो माइग्रेन की जो संख्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम सुनते थे कि हमें सर दर्द हो रहा है, लेकिन अब हमें सुनने में आता है कि हमें माइग्रेन की बीमारी है। तो क्या फर्क है सर दर्द में और माइग्रेन के दर्द में? सरदर्द का एक कारण जो है वो माइग्रेन है। माइग्रेन एक स्पेशल टाइप का सरदर्द होता है, जिसमें जनरली ये सिर के एक हिस्से पे असर डालता है। साइड में भी हो सकता है, फोरहेड में भी हो सकता है सरदर्द, और इसमें इसका करेक्टर बिल्कुल टिपिकल होता है। इसमें ऐसा फील होता है पेशेंट को कि जैसे कोई सिर में हथौड़े चल रहे हैं, या जैसे चटके चलना कहते हैं गाँव में, और ये ज़्यादातर आधे सिर पर असर डालता है। और इसके साथ ही कई बार आंखों के सामने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई देने लगती है, फिर सरदर्द धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और जब ज़्यादा तेज़ सिरदर्द होता है तो पेशेंट को वॉमिटिंग का फीलिंग होता है, उल्टी होने लगती है, और उसके बाद पेशेंट की ये इच्छा रहती है कि वो उस टाइम किसी से बात नहीं करे, कोई ऑफिस का काम करने में उसका मन नहीं लगेगा, और उसको ये अच्छा लगेगा कि वो लाइट ऑफ करके चुपचाप अपने कमरे में शांति से बैठ जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोग जो होते हैं उनको इस बीमारी का पता तब चलता है जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है उनके सर दर्द को, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शुरुआती जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं माइग्रेन के, और कब हमें जाकर के फटाफट तुरंत से चेकअप करवाना चाहिए? सिरदर्द जब एक ही पैटर्न पे बार बार रिपीट होने लगे, खास तौर से जब सिर के एक हिस्से पे अपना असर ज़्यादा डाले, ये जैसे कई बार आँख के चारों तरफ भी दर्द की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद टिपिकल फीचर जैसे आईज़ के सामने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई देना, कुछ देर के लिए धुंधलापन दिखाई देना, उसके बाद जैसे जैसे सिरदर्द बढ़ता है वॉमिट का फीलिंग, उल्टी वगैरह आने लगता है, तो ये बड़ा टिपिकल सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन के। ऑल दो इसकी कई वेराइटी होती हैं जिसमें कुछ इससे अलग हटके भी पेशेंट को फीलिंग होता है। तो जब ये एक ही पैटर्न का सिरदर्द बार बार रिपीट होने लगे तो हमें थोड़ा सजग हो जाना चाहिए कि ये कुछ अलग तरह का दर्द है,
और क्योंकि जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा इसमें मेडिसिन का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ पाता है, तो जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा, जितना जल्दी मेडिसिन शुरू होंगी, अल्टीमेटली उसका ये जो पेशेंट को दवाइयों से उतना ही अच्छा फ़ायदा होगा। जी दर्शकों, हम आपको बता दें, यूएस में हुए एक हालिया अध्ययन के मुताबिक महिलाओं में पुरुषों की तुलना में माइग्रेन के ज्यादा मामले पाए गए हैं। तो डॉक्टर साहब, इसी के चलते मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि महिलाओं को पीरियड्स के टाइम ज्यादा परेशानी होती है माइग्रेन को लेकर? बिल्कुल ठीक है आपने, ये पीरियड से जस्ट पहले या पीरियड के दौरान हेडेक या माइग्रेन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो हेडेक या माइग्रेन के अटैक केवल पीरियड के टाइम में होते हैं, तो उसे मेंस्ट्रुअल माइग्रेन एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट का प्लानिंग थोड़ा रूटीन माइग्रेन से डिफरेंट होता है। जी तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई हार्मोनल चेंज की, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कारण है माइग्रेन का? क्या ये हमें हमारे माता पिता से मिलता है, या फिर ये क्लाइमेट चेंज है, यूं कहूं कि पर्यावरण के में जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से हमें माइग्रेन की तकलीफ होने लगी है? माइग्रेन के जो कारण में तो ये होता है कि जैसे माइग्रेन का अटैक शुरू होता है तो दिमाग के अंदर जो खून की नलिकाएं होती हैं उनमें रक्त के प्रवाह में थोड़ा परिवर्तन आता है, उसके साथ ही ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जिससे इस टाइप के टिपिकल हेडेक की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे टाइम निकलता है तो उसका इंटेंसिटी फिर बढ़ता जाता है, ये सब। और इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है, यदि मान लीजिए माता पिता को माइग्रेन है, दोनों में से किसी एक को भी माइग्रेन है, तो उनके बच्चों में माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये कई बार बचपन से ही सिर दर्द की शुरुआत हो जाती है, जिसे हम चाइल्डहुड माइग्रेन के नाम से एक अलग कैटेगरी मानते हैं। जी तो जैसे हम अभी माइग्रेन की बात करें तो यकीनन सी बात है कि हम उसके लिए दवाइयाँ भी लेंगे, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो हम पेन किलर लेते हैं वो कितनी हानिकारक होती हैं? ये जो बार बार बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर ली जाती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और इसका इफ़ेक्ट हमको टाइम के साथ पता चलता है। तो जैसे यदि बार बार पेन किलर ले रहे हैं तो उसको किडनी के ऊपर उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक पेट में गैस्ट्रिक अल्सर्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इससे डिफरेंट टाइप के एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत रिस्की होता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हेडेक के लिए पेन किलर्स का यूज़ अपने मन से नहीं करें, डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है मेडिसिन का जो प्रिवेंटिव मेडिसिन कहलाती है, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है, उन मेडिसिन्स के प्रयोग से हेडेक के बार बार होने की टेंडेंसी से ही बचा जा सकता है। तो नेचुरली मेडिसिन पेन किलर लेने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो इस ग्रुप में जैसे कई इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर है, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, फ्लुनरेजिन, इसके अलावा कुछ जो मेडिसिन हैं जो स्पेसिफिकली माइग्रेन में ही इफेक्टिव होती हैं, जैसे डाइवेलप्रोएट या वेलप्रोइक एसिड हैं, इन मेडिसिन के प्रयोग करने से बार बार होने वाला जो हेडेक है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, वो बार बार होने से भी रुक जाता है, और उसका इंटेंसिटी, तेजी भी उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम होने से पेशेंट काफ़ी सुरक्षित रहता है। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अमित हैं जयपुर से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था, मैं काफ़ी लंबे समय तक ऑफिस में डेस्कटॉप के सामने बैठ करके काम करने का होता है, तो इस वजह से सर में थोड़ा पेन भी होने लग गया, हाँ, तो क्या ये माइग्रेन का लक्षण है? नहीं देखिए, इसमें ये एक तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है, क्योंकि आपका डेस्कटॉप पे काम करने से हेडेक का रिलेशन है, तो इसमें एक विजुअल स्ट्रेन की वजह से भी हेडेक हो जाता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि माइग्रेन हो। और माइग्रेन का यदि मान लीजिए किसी को टेंडेंसी है तो वो भी डेस्कटॉप पे लगातार काम करने से वो माइग्रेन के अटैक भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो इसमें एक तो आई चेकअप करा लेना चाहिए कि आई से रिलेटेड कोई कारण नहीं है, और दूसरा इसमें आपके हेडेक का जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये माइग्रेन है या माइग्रेन से मिलता जुलता कोई दूसरा हेडेक है। जी तो दोस्तों, आपने जाना क्या है माइग्रेन के शुरुआती लक्षण और कैसे ये बीमारी हमें हमारे अंदर आती है। अब टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे संभव है माइग्रेन का इलाज, तो कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में। डॉक्टर साहब, जिस तरह का लाइफस्टाइल आज है, हम माइग्रेन जैसी बीमारी को आमंत्रित करते हैं, तो ऐसे में एक्सरसाइज करना इस माइग्रेन को कितना कम कर सकता है और क्या वाकई में इसका कोई परमानेंट इलाज है? देखिए, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, इन सब चीज़ों का आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये आजकल का जो वर्किंग स्ट्रेस है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, फैमिली स्ट्रेस है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने को दिमाग को रिलैक्स करने के लिए टाइम मिले। और उसमें सबसे अच्छा एनवायरनमेंट उसमें होता है कि जब अपन एक्सरसाइज में अपने आप को बिजी कर रखा है, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं या प्राणायाम योगा कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो एक तो वहाँ पर जो माहौल होता है शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, पोल्यूशन से फ्री है, और अपने उस टाइम पे दिमाग में और किसी तरह के ख्यालात नहीं चल रहे होते, तो ये सब चीज़ें माइग्रेन को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार होती है। और इसमें जैसे रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन रखें तो ये इसमें इनडायरेक्टली माइग्रेन को बार बार होने से रोकने में काफ़ी हद तक मदद करता है जी। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर है, अनुपम है जयपुर से, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुपम कुमार हुआ। नमस्कार जी। सर, मैं दिल्ली से भी ट्रांसफर होकर जयपुर आया हूँ जी। और सर, जो मेरा वर्क प्रोफाइल दिल्ली में था वो काफी इन हाउस था, ऑफिस के अंदर वाला। हाँ। तो वहाँ मैं धूप से हमेशा बच के रहता था और एसी की सुविधा मेरे पास थी। हाँ। बट यहाँ आने के बाद मैंने अपना वर्क प्रोफाइल कुछ चेंज किया है। हाँ। और ज्यादातर मैं आउटडोर ही रहता हूँ, दिन में धूप में और यहाँ वहाँ जो काम होते हैं मार्केटिंग के या और अदर। ओके। धूप मेरे को बहुत परेशान कर रही है। हाँ। और फिर जब ऑफिस में वापस आता हूँ फिर से एसी और फिर से वापस धूप में रहता हूँ, तो मेरा काफी हेडेक रहता है शाम को। और सर, रात को तो पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती है उसको मैनेज करने के लिए। हाँ हाँ। तो रोज के रूटीन में मुझे क्या चेंज करना चाहिए और धूप से बचाव के लिए मैं क्या करूं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये माइग्रेन के अटैक के कई सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनसे माइग्रेन के अटैक्स की संभावना बढ़ जाती है, जैसे धूप में, भीड़ भाड़ में काम करने से, और इन सब चीज़ों में एक तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जैसे जहाँ तक अपन अपना शेड्यूल थोड़ा मॉडिफाई करें, तेज़ धूप से, ब्राइट लाइट से जितना अपन बचाव कर सकें वो रखें। और दूसरा है, क्योंकि यदि इतना फ्रीक्वेंटली यदि अपन इसको ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो बचाव के साथ ही साथ कुछ मेडिसिन्स का इसमें रेगुलर प्रयोग करने से भी इसका ये बार बार होने से बच सकते हैं। क्योंकि रोज़ पेन किलर खाना, फिर जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वो सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसमें इस आपको क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट अटैक्स आ रहे हैं माइग्रेन के, तो डेफिनेटली वर्क एनवायरनमेंट को जितना सा आप मॉडिफाई कर सकें उतना करें। मॉर्निंग इवनिंग आवर्स जिसमें तेज़ ब्राइट धूप नहीं होती वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप अपने आउटडोर वर्क के लिए। और बार बार सिर दर्द हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह से कुछ रेगुलर मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, जिससे ये सिर दर्द बार बार होने से काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा जी। अनुपम जी, घबराएं नहीं, अपना प्लीज फटाफट चेकअप करवाएं और ये प्रिवेंशन जो है आप अभी से शुरू करें। डॉक्टर साहब, हमारी अगली कॉलर जो है वो विद्या है उदयपुर से, वो भी आपसे बात करना चाहती है जी। विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। नमस्ते डॉक्टर सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरी मॉम को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो काफी दवाइयां ले चुकी है मगर उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता इससे। ओके। और ऑलमोस्ट डेली नाइट को उनके प्रॉब्लम रहती ही रहती है। हाँ। तो इसके लिए क्या किया जाए? उनकी उम्र कितनी है? अराउंड 50 इयर्स। और उनको सिरदर्द की शुरुआत कब हुई थी? सर 2 साल से तो लगभग है ही। अच्छा, क्योंकि देखिए लेट ऑनसेट हेडेक, ये क्योंकि उम्र के हिसाब से माइग्रेन की जनरली जो एज होती है वो फर्स्ट एंड सेकंड डिकेड में होती है। यदि आपके मॉम को जैसे सिरदर्द की शुरुआत 48 इयर्स की एज पे हुई है, तो सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूँगा कि उनको एक बार डॉक्टर से मिलके चेकअप कराना चाहिए। उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे सिटी स्कैन या ब्रेन का MRI, जिससे हम ये रूल आउट कर पाएंगे कि ये सिरदर्द का कोई उस ब्रेन के अंदर कोई कारण तो नहीं है। और जब ये टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो उसके बाद इसमें रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली पिछले कुछ सालों में माइग्रेन से रिलेटेड कई नई मेडिसिन आ गई हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थी। तो कुछ ऐसे पेशेंट जो पहले जो अवेलेबल मेडिसिन को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, वो नई दवाइयों के प्रयोग से काफ़ी अच्छे लाभान्वित होते हैं।
तो एक बार ब्रेन को चेकअप करके और रेगुलर मेडिसिन, अब ये आपका उनका ट्रीटमेंट रिपोर्ट देखने से पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन उन्होंने ऑलरेडी ले रखी है जो काम नहीं कर रही, तो उसके जो और जो बेटर ऑप्शंस हैं उनको एक बार ट्राई कर सकते हैं अपन डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब, अगर हम आम जनता से माइग्रेन के बारे में पूछते हैं तो वो ऐसा करते कहते हैं कि माइग्रेन ऐसा उनको दर्द लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है उनके सर पे कोई मुक्के मार रहा है, तो ऐसी बीमारी में क्या उनको आप शॉर्ट टिप्स देना चाहेंगे और किस तरह से उन्हें खान पान में अपना ध्यान रखना है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि खान पान में हमारे ये पेशेंट्स के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिनसे उनको इंडिविजुअली माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे कई पेशेंट्स को चीज़, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स है ना, या अल्कोहल के प्रयोग से माइग्रेन के अटैक की शुरुआत हो जाती है। तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, खाने में बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिससे इंडिविजुअली जब वो उनको प्रयोग करते हैं तो वो डेफिनेटली उनको अगले माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो अपन अपने खान पान के तरीके को चेक करें। जैसे यदि किसी को फास्ट फूड खाने से माइग्रेन है या कोल्ड ड्रिंक से माइग्रेन हो रहा है या चॉकलेट से, कॉफ़ी से है, तो जहाँ तक संभव हो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें काफ़ी हद तक तो माइग्रेन के अटैक से ये डाइटरी मॉडिफिकेशन से फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट के चेंज से भी माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे ह्यूमिडिटी यदि बहुत ज़्यादा है या एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हैं, तो वो दोनों ही इन सिचुएशन में माइग्रेन के अटैक की संभावना ज़्यादा रह जाती है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट अपने को पेशेंट के हिसाब से प्लान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कारण उनके पेशेंट को समझ आ जाता है कि इस कारण से सिर दर्द हो रहा है, जैसे धूप में घूमने से, भूखे पेट रहने से, तो उस सिचुएशन को जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। और फिर रेगुलर मेडिसिन इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। यदि कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन रेगुलर ली जाए तो वो पेन किलर लेने की संभावना काफ़ी कम हो जाए। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। वाकई माइग्रेन जैसी बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है ये तो हमने जाना डॉक्टर साहब से। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के फल के बारे में। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कि अगर आप रोज एक सेब नियमित रूप से खाते हैं तो कोई बीमारी आपके आसपास नहीं भटकेगी। जिन्हें लगता है कि वो मोटे हो रहे हैं वो भी सेब खा सकते हैं, क्योंकि सेब में जीरो कैलोरीज होती हैं। और जो ये सोचते हैं कि वो पतले हैं वो भी निश्चिंत होकर सेब खा सकते हैं, क्योंकि सेब आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ये आपके अंदर की थकान को दूर करता है। साथ ही सेब में पाए जाने वाला एंटी ऑक्सीडेंट कैंसर से शरीर की सुरक्षा करता है, साथ ही रखता है दिल का ख्याल। सेब में विटामिन सी और बीटा कैरोटीन की अच्छी मात्रा होती है। सेब आपकी त्वचा की रंगत भी निखारता है, चेहरे से दाग धब्बे गायब करने में मददगार होता है। रोज नाश्ते में एक सेब और एक गिलास दूध रोज लेना आपकी पाचन क्रिया को नियंत्रित करेगा, जिससे बनेगा आपका चेहरा सुंदर और मुलायम। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से ही आप एक सेब रोज खाना शुरू कर दें ताकि आप भी सेब की तरह खिले निखरे नजर आएं। तो दोस्तों, सुना आपने, रोज एक सेब डॉक्टर को हमेशा दूर रखता है, यानी कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर सिर दर्द में रोज एक सेब नमक लगाकर खाएं आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं सेहतमंद रहना तो आज से ही सेब खाना शुरू करें। आखिर में समय हो गया है जानने का, आज क्या है दादी माँ का नुस्खा। तुलसी के हरे पत्ते और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर छोटी छोटी गोली बनाएं और दो दो गोली तीन तीन घंटे के अंतर से पानी के साथ लेने से मलेरिया तथा डेंगू से लाभ होता है। तो अगर आपके बच्चे को भी सरदर्द की समस्या रहती है तो इसे हल्के में न लें, चेकअप करवाएं और अपना संभव इलाज प्रारंभ करें। आशा करते हैं हमारा ये शो आपको बेहद पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका हमसे बात करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अगर आप जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। जल्दी आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।